नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह। और आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जब देश की नई सरकार बनने के लिए अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। जी हां, 19 मई यानी कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण भी अब पूरा हो चुका है और देश भर में तमाम न्यूज चैनल्स में चौथे स्तंभ पर जो है लगातार सटीक विश्लेषण का दौर शुरू हो गया है, जिन्हें एग्जिट पोल कहा जाता है। एमपी न्यूज जरूर एग्जिट पोल को यहां पर बढ़ावा नहीं देता, लेकिन क्या सियासी मायने यहां पर समीकरण संकेत दे रहे हैं और किस तरह से सटीक विश्लेषण निकल कर आ रहा है। खासतौर पर यदि भारत के दिल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें क्या संकेत दे रही हैं, कांग्रेस और भाजपा के लिए कहां पर खुशखबरी है, कहां पर चुनौती के बादल हैं और किस तरह से जो तमाम चुनावी जोर शोर से जो शोर यहां पर थम गया है और अब ईवीएम मशीन्स में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो गया है। 23 मई की तारीख को सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का क्रम शुरू होगा, वैसे ही धीरे धीरे सत्ता के तमाम समीकरण साफ हो जाएंगे और ये सत्ता के बादल क्या बीजेपी के कमल पर बरसेंगे या कांग्रेस के पंजे को गीला कर देंगे। किस तरह से देश में महागठबंधन बनाम नरेंद्र मोदी का चुनावी संग्राम दिखने को मिलेगा और क्या वाकई में 23 मई की तारीख भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई नया घटनाक्रम लेकर आएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब टटोलने के लिए एमपी न्यूज की संपादकीय टीम ने कई सारे पहलुओं पर रिसर्च की है, कई सारे पहलुओं को लेकर एक विश्लेषण तैयार किया है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हमारे देश का सियासी सूरत हाल क्या कहता है। जी हाँ, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तासीर है, राजनीति के भिन्न रंग हैं। जहां एक और बंगाल की हिंसा क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी पलटवार को लेकर आने वाली है, या ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन पर ही बंगाल की जनता का भरोसा कायम रहने वाला है। इसी के साथ साथ एक सवाल और जहन में है, वो तीन राज्य जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव में खो दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। क्या यहाँ की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कोई कमाल कर दिखाएगी या फिर यहाँ पर बीजेपी मोदी लहर के सहारे जो है बढ़त बना लेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, लिहाजा हम यहाँ तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से, जो कि देश का सूरत हाल भी बताएंगे। तमाम न्यूज चैनल्स पर देश भर के बड़े बड़े पत्रकारों संपादकों ने जो सटीक टिप्पणी तैयार की है और किस तरह से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी सुनामी के संकेत दे रही है और किस तरह से राहुल गांधी के लिए ये एग्जिट पोल के आंकड़े चिंता की लकीरें बढ़ाने वाला संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था अब की बार 300 पार, क्या ये नारा पार हो पाएगा और वाकई में जनता नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर भरोसा जताने जा रही है। हालांकि इसकी पूरी तस्वीर जो है वो 23 मई की तारीख को ही शाम तक साफ हो पाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तो साफ कर दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है और राहुल गांधी को यहां पर फिर हार का स्वाद चखना होगा। क्योंकि क्या प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री में देरी हो गई, क्या नरेंद्र मोदी यहां पर फिर पॉलिटिकल मार्केटिंग में बाजी मार गए, या फिर देश की जनता ने नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी को लागू करने जैसे क्रांतिकारी फैसलों को लेकर कमल के फूल का बटन दबा दिया है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा दर्शकों को सिलसिलेवार बताइए एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियली सतही तौर पर क्या ये एग्जिट पोल के आंकड़ों को यदि सही मान लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि देश में एक बार फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्या ये बढ़त एनडीए को मिल रही है या भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से देश को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था आज वो दिन आ गया। अंतिम चरण का जो चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से लोगों की निगाहें
प्री पोल सर्वे पर टिकी हुई थी। कहीं ना कहीं लोगों को सर्वे पोल की रिक्वायरमेंट हो रही थी, लोग सोच रहे थे कि आखिर जो देश की बड़ी नो सर्वे एजेंसी है वो किस तरफ किसकी सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रही है। बहरहाल जिस प्रकार से देश ने अपना मूड दिया है, अलग अलग 8 सर्वे में से 6 सर्वे हैं वो एनडीए की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित दलों की सरकार बनने की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है। वहीं हम बात कांग्रेस की करें तो पिछली बार से सीटें जरूर बढ़ी है लेकिन सत्ता से अभी भी कोसों दूर नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं आज भारत ने जिस प्रकार से अंतिम दौर का चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से ही लगातार लोगों की निगाहें थी कि आखिर प्री पोल सर्वे में किसकी तरफ आएगा। तो जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये महज सर्वे हैं, लोगों से जानी गई राय के मुताबिक ये पूरे आंकड़े लिए गए हैं लेकिन जो इतिहास है वो इस तरफ इशारा करता है कि जो सर्वे का सर्वे होता है कहीं ना कहीं वो भी एक तरफ इस बात का इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 तारीख के दिन घोषित हो सकती है। यानी साफ तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शपथ ग्रहण कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की खबर है। वहीं कांग्रेस के लिए एक बार फिर निराशा हाथ नजर आ रही है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा ये सिर्फ सर्वे हैं, सर्वे के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है लेकिन आखिरी जो जनमत है, जन निर्णय है वो 23 तारीख को आएगा। लेकिन आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को यह बहुमत मिल रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ देश में जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता की चाबी सौंप दी है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर की बात कर रहे थे कि इस बार उनकी लहर नहीं है लेकिन एक बार फिर जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं ये साफ दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर बरकरार है। लेकिन जिन जिन राज्यों में 2014 में परफॉर्मेंस किया था वो परफॉर्मेंस मेंटेन करने में बहरहाल नजर आ रहे हैं कि उन्होंने मेंटेन किया है। बात करें देश के सबसे बड़े सूबे की उत्तर प्रदेश की तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां 73 सीटें मिली थी और माना जा रहा था कि महागठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारे एमपी न्यूज के सर्वे और एनालिसिस रिपोर्ट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 45 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर आज जो सीटें हैं 80 में से 45 होते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम अन्य दलों की बात करें, सपा और बसपा की बात करें तो जी हां 30 से 35 सीटों पर वो भी काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये आंकड़े हैं, सर्वे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि जिस प्रकार से सत्ता में वापसी की है कांग्रेस ने वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में भी दोहरा सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर थी वो यहां भी भारी पड़ी। किसान कर्ज माफी कहीं ना कहीं कांग्रेस के गले की हड्डी बनता हुआ नजर आया जिसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में जनता का जनमत भारतीय जनता पार्टी की ओर झुका हुआ है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां से 24 से लेकर 26 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 3 से लेकर 4 सीटों में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर बात करूं तो जिस प्रकार की खबरें आ रही है उसमें छिंदवाड़ा, गुना और कोई 2 सीटें हो सकती है जिस पर कांग्रेस की सत्ता बच सकती है। बहरहाल बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आई, यानी जीत का परचम लहराते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पिछली विधानसभा में हार हुई थी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, राज्य यहां पर कुल 11 सीटें हैं लेकिन यहां से 7 से 8 भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 3 से 4 सीटों पर उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। बात करें राजस्थान की, जी हां मैं सबसे पहले उन्हीं राज्यों की बात कर रहा हूं जहां बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि वसुंधरा मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खेर नहीं। तो ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव में भी नजर आया और कुछ 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को मात्र 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये बड़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वे और एनालिसिस की रिपोर्ट आ रही है कहीं ना कहीं और इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है राजस्थान की धरती से। बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र यूं तो यूं कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गढ़ है,
कभी भारतीय जनता पार्टी जब बैकफुट पे हुआ करती तो एनसीपी और कांग्रेस का एक तरफा राज माना जाता था, लेकिन बीते जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और यहाँ पर हम बात करें तो कुल 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के यूं कहें कि खेमे में करीब 35 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो करीब 10 से लेकर 13 सीटें इनकी झोली में भी जा सकती है। ये बड़े बड़े राज्य, में उन राज्यों की बात कर रहे हूं जो तय करते हैं कि देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। बढ़ते हम अगले राज्य की ओर, प्रधानमंत्री मोदी का खुद का राज्य, जहां माना जाता है कि खुद एक प्रधानमंत्री मोदी प्रेस्टीज का सवाल बनाकर यूं कहें कि गुजरात की जनता की एक आवाज बनकर चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में 26 जिलों से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी कुछ इस तरह के ही चौंकाने वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान की स्थिति में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं एक सीट से ही कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ेगा, यानी गुजरात से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को निराशा ही हाथ लग रही है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, तो अगले राज्यों में जहां पर मैं बात करूं जहां पर कांग्रेस को लीड मिल रही है वो है पंजाब। पंजाब में यदि हम बात करें कुल 13 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 से 5 सीटें आ रही है, वहीं कांग्रेस यहां पर 8 से 9 सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो कि सीएम है पंजाब के, उनका प्रेस्टीज का सवाल था और बीते दिनों उनका जो बयान है वो भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर संतोषजनक परिणाम नहीं रहे लोकसभा चुनाव में तो वो इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल पंजाब की जनता ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाणी पर, या यूं कहें कि उनके वादों पर भरोसा जताते हुए बहुमत का आंकड़ा दिया है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस को यहां बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। मैं एक और राज्य की बात करूंगा जहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी की खबर है, तमिलनाडु। जी हां, एक ऐसा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से अब तक कोई कदम नहीं जमा पाई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को मिलकर 38 सीटें मिल रही है, यानी साफ तौर पर एक और बड़ा इशारा है कि कांग्रेस को वहां कहीं ना कहीं अधिक सीटें, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर कहीं मिल रही है उनके गठबंधन को तो वो है तमिलनाडु। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी सारे राज्यों की तो दिल्ली में, दिल्ली जो यूं कहें कि भारत की राजधानी, जनता का दिल, दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, और बस सपा आम आदमी पार्टी ये कुल मिलाकर क्लेम कर रही थी कि वहाँ उनकी सरकार आएगी, लोकसभा सीटों में वो जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन और गठबंधन की खिचड़ी बनी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यूं कहे कि फायदा होता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। बात करें अगर बाकी सारी सीटों की तो पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिस पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। ममता बनर्जी लगातार जिस प्रकार के बयान दे रही थी इससे साफ नजर आ रहा था कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है। लेकिन हुआ ऐसे ही, जहां पर एक वामपंथियों का एक गढ़ कहा जाता है, टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उनकी गढ़ में एक हिंदुत्व की सेंध मार दी, या यूं कहें कि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पश्चिम बंगाल के उपप्रभारी भी थे, पश्चिम बंगाल में लगातार उन्होंने जनसंपर्क किया, रणनीति बनाई, और जिस प्रकार से उन्होंने दीदी के गढ़ में सेंध लगा दी है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जो 40 सीटें उनमें आधी आधी बांटते हुए नजर आ रही, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा 18-20 का हो रहा है। यानी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है कि उन्हें अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो एक बड़ी लीड मिलते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से ये जादुई आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह और भी मानी जाती है। मैं आपको बताते चलता हूं कि जो सबसे बड़ी उन्हें लीड मिल रही है वो उड़ीसा है, जहां पर टोटल 21 सीटें थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को महज एक सीट मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने लगातार जनसंपर्क किया तो वहां करीब 15 से लेकर 19 सीटें हैं। वहीं बीजू जनता दल, जो कि नवीन पटनायक का गढ़ कहा जाता है उड़ीसा, कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है। बात करते हैं उस दूसरे स्टेट की, उस दूसरे सबसे बड़े स्टेट की, जिस जो कहा जाता है कि आपने यूपी बिहार जीत लिया तो देश जीत लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। वैसे तो बिहार में लालू प्रसाद यादव का नाम बड़ा ही फेमस था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा और लालू, ये इस तरह की बातें थी। लेकिन ये बातें हो गई है, पुरानी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार जनसंपर्क किया है वहाँ पर बीजू जनता दल, यूं कहें कि जेडीयू, कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियां बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू प्लस
जिस प्रकार से पासवान की पार्टी है कुल मिलाकर 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं करीब 4-5 सीटों से कांग्रेस और जेडीयू जो है उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा एमपी न्यूज़ के जो टोटल पोल एनालिसिस किया है, बाकी सर्वे का सर्वे किया है, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनते हुए नजर आ रही है, उनकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। और इस बार जो आंकड़े पिछली बार आंकड़े थे कि एनडीए को 336 सीटें, यूपीए को 60 सीटें और अन्य को 147 सीटें मिली थी, कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े इस बार भी आने वाले हैं। और जिस प्रकार से मोदी की लहर थी फिर बरकरार है, लेकिन फाइनल आंकड़े 23 दिन के लिए एमपी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देखते रहिए, हम आपको पल पल की खबर देंगे और मध्य प्रदेश के उन 29 जगह की जो सांसद सीटें हैं उनकी भी पल पल की जानकारी देंगे, इसलिए आप बने रहिए। ओवर टू स्टूडियो। चलिए, साफ है राहुल, यहाँ पर जो आप तमाम समीकरण यहाँ पर हमसे साझा कर रहे हैं और जिस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया है, यानी कि ये वो आंकड़े हैं जो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर ये संकेत देते हैं, परिभाषा को साफ कर देते हैं कि मोदी सरकार को बनने में कोई अब किंतु परंतु नहीं बाकी रह गया है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की तमाम ईवीएम मशीन्स में जो फैसला कैद है वो तो 23 मई की तारीख को ही जनता के सामने आएगा, लेकिन ये कयासों के बादल हैं जो कि सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश भर के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स के आंकड़े कह रहे हैं। एमपी न्यूज यहां पर लगातार इस बात को साफ करता है कि एग्जिट पोल यहां पर महज एक रिसर्च है, महज एक आकलन है, एक विश्लेषण है और तमाम राजनीतिक हवाओं का रुख को तय करने की एक दिशा निर्धारण का एक केंद्र बिंदु है। सही फैसला तो मतदाता को ही सुनाना है और मतदाता का जो फैसला है वो 23 मई को निकल कर आना है। आगे बढ़ते हैं और भारत का दिल क्या कहता है। जी हाँ, हम एमपी न्यूज पर बात कर रहे हैं और एमपी की ही बात ना करें तो जरा बेमानी सी हो जाएगी। एमपी की अगर 29 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये बड़े दिलचस्प समीकरण नजर आते हैं। यदि मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हॉट सीट कही जाने वाली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल संसदीय सीट। जी हाँ, राजधानी भोपाल की ये वही सीट है जहां से एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदूवादी चेहरे के तौर पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था। बार बार ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही किसी भी तरह के विवाद की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के इंटेलिजेंस को भी इस बात का अंदेशा था, लिहाजा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया और दिग्विजय सिंह ने अपना मुंह बंद कर लिया। जी हाँ, जिस तरह से वो बेबाक बयानबाजी के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दिग्विजय सिंह खामोश रहे और ज्यादातर समय उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के किसी भी वार पर पलटवार नहीं करने में बिताया। वो महज जनता के बीच गए, भोपाल के विकास का विजन रखा और भोपाल के दृष्टिकोण में विकास कितना अहम है ये बात वो जनता तक पहुंचाते रहे। यदि दूसरी और सीट की बात करें तो इंदौर की लोकसभा सीट भी बड़ी चर्चाओं में रही। जी हाँ, इंदौर की संसदीय सीट पर 8 बार से बीजेपी जीतती आई है, लेकिन ये पहला मौका था जब बीजेपी ने टाई यानी कि 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की अध्यक्ष भी हैं उनका टिकट काटा, एक बड़ा फैसला लिया, ये कहें कि पूरी की पूरी सीट को रिस्क जोन में डालने की यहाँ पर कवायद कर डाली। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर बैठे डाले एक प्लेटिनम मौका भी मिल गया। हालांकि कांग्रेस ने अपना चेहरा पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि उम्मीदवार के तौर पर पुराने नेता पंकज संघवी को मैदान में उतारा था, लिहाजा बीजेपी ने यहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया और आईडीए के अध्यक्ष रहे, 3 बार के पार्षद रहे शंकर लालवानी को लोकसभा उम्मीदवार बना दिया। ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प इन मायनों में है क्योंकि बीजेपी के नेता शंकर लालवानी की जो राजनीतिक तासीर है कुछ ऐसी ही तासीर के महारथी माने जाते हैं कांग्रेस के नेता पंकज संघवी। ये चुनाव कांटे के मुकाबले के तौर पर देखा गया, ये कहा गया कि दोनों सम नेता हैं और पार्टी अपनी अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये चेहरे बनाम चेहरे की लड़ाई है। हालांकि इंदौर वो संसदीय क्षेत्र रहा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी विराट चुनावी सभा को संबोधित किया। दशहरा मैदान जो कि इंदौर का सभा स्थल था वहां तक आने के लिए एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को तकरीबन 35 मिनट तक का वक्त भी लग गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज संघवी के समर्थन में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक तूफानी रोड शो किया। जी हाँ,
इंदौर की सड़कों पर जब गांधी परिवार की बेटी निकली तो लोग आतुर थे उनकी एक झलक देखने को, लेकिन क्या प्रियंका गांधी ये तमाम जो भीड़ जो हुजूम उमड़ा था उन्हें वोटों में तब्दील करने में कामयाब रही, या चुनावी सभा का जादू मोदी के नाम पर चला? क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा यदि आप इंदौर में ईवीएम मशीन में कमल का बटन दबाएंगे तो एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। ये भाषण था नरेंद्र मोदी का, लिहाजा इसी भाषण के सहारे शंकर लालवानी ने अपनी चुनावी नैया पार कराने की भरसक कोशिशें की। क्या ये चुनाव पंकज संघवी बनाम नरेंद्र मोदी रहा या ये चुनाव पंकज संघवी बनाम शंकर लालवानी बना, इसका फैसला भी 23 मई को हो जाएगा। उज्जैन सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के चेहरे बाबूलाल मालवीय और बीजेपी के उम्मीदवार अनिल फिरोजिया में दिलचस्प मुकाबला रहा, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो यहां पर अनिल फिरोजिया कांग्रेस के उम्मीदवार बाबूलाल मालवीय पर भारी पड़ते नजर आए। इसी तरह से मंदसौर की यदि सीट की बात की जाए तो मंदसौर की सीट पर भी वर्तमान सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर गुप्ता एक बार फिर मैदान में थे तो उनके सामने थी कांग्रेस की तेज तर्रार युवा नेत्री मीनाक्षी नटराजन। क्या ये चुनाव दिलचस्प रहा या मीनाक्षी नटराजन प्रचार के दौरान ही पिछड़ गई, ये तमाम फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, लेकिन सियासी समीकरण बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। खंडवा सीट की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच में मुकाबला था। खंडवा से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान मैदान में थे तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने किला लड़ाया, लेकिन क्या वाकई में ये दोनों सेंधमारी कर पाए, जनता का दिल जीत पाए? ये बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। कहा जा रहा था कि 51-49 का चुनावी गणित यहाँ पर बैठेगा, लेकिन वोटों की गिनती का क्रम और मतदान का प्रतिशत बहुत कुछ संकेत देता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं बड़ी बात करें तो छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लगातार जो तूफानी अंदाज में अपनी पहली सियासी स्टेप को बढ़ा रहे थे, कुछ इसी तरह के नतीजे आएंगे ऐसा हम नहीं कह रहे, तमाम सियासी समीकरण संकेत दे रहे हैं। इसी तरह गुना शिवपुरी सीट की बात करें तो कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सिंधिया राजघराने के बल पर बड़ी जीत का भरोसा लिए बैठे हैं। यही वो वजह है कि सिंधिया चुनाव लड़ते ही अमेरिका का रुख कर गए, हालांकि वो किस किन किन कारणों से गए थे इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि गुना और शिवपुरी क्षेत्र की जनता एक बार फिर सिंधिया राजघराने पर भरोसा जताएगी। देवास शाजापुर सीट की बात कर लें तो यहाँ पर पद्मश्री और मालवी गायक कबीरपंथी समाज से आने वाले प्रहलाद टिपाणिया मैदान में थे कांग्रेस की तरफ से, जिनके समर्थन में खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आए और बाकायदा स्टेज पर उनसे एक गीत गवाया और उसका वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। क्या इस पूरे घटनाक्रम ने देवास शाजापुर की जनता का दिल जीता है या फिर संघ की पृष्ठभूमि से आए न्यायाधीश रहे महेंद्र सिंह सोलंकी बाजी मारेंगे, ये समीकरण भी आपको बताएंगे। और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बड़े दिलचस्प चुनावी घमासान है, रतलाम में कांतिलाल भूरिया हैं। इसी तरह से बात करें तो झाबुआ और रतलाम के क्षेत्र के बाद धार में कांग्रेस ने नए चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा, बैतूल से रामू टिकाम को यहां पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा, और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि दिलचस्प समीकरणों को यहां पर जन्म देते हैं। लेकिन क्या वाकई में एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस में खुशी के बादल की बरसात करते हैं या बीजेपी पर भरोसा जताते हैं, तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप जरा बताइए, ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, भारत के दिल की ये बात है, क्या दिल में अब भी मोदी का राग अलापा जा रहा है या कहीं कोई गुंजाइश है राहुल गांधी के चेहरे के लिए? और ऐसे हालात में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है, अग्नि परीक्षा का दौर है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के लिए, क्या इसमें कमलनाथ पास हो पाएंगे, राहुल गांधी कोई जगह बना पाएंगे या फिर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी मोदी के नाम की सुनामी चलने वाली है? तमाम जानकारियां दीजिए संदीप यहां पर एमपी न्यूज के दर्शकों को। जी बिल्कुल महेंद्र जी, इस बार अगर बात की जाए एग्जिट पोल की तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये जो आंकड़े आए मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं और ये जो आंकड़े जब हम बताएंगे दर्शकों को तो महेंद्र जी वाकई में यहाँ की मध्य प्रदेश की जनता को इन आंकड़ों को सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, इसके बाद ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई जादुई करिश्मा करने वाली होगी और यहाँ पर कहीं जो पिछली बार उनकी मध्य प्रदेश में 3 सीटें थी उससे बढ़कर करीब 15+ पे आंकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस वादे के सहारे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में
सत्ता हासिल की, वही वादा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर आया। और मेरे हाथ में जो आंकड़े हैं मैं बताना चाहूंगा महेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ 6 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार की तुलना में कांग्रेस बढ़त की ओर बड़ी जरूर है, लेकिन जिस आंकड़े की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जो सियासी फायदा कांग्रेस को लेना था वो नहीं ले पाई। और वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 20 प्लस यहां पर मध्य प्रदेश में सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू देखने को मिला है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा, तो वो फैक्टर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए कांग्रेस ने जिन सीटों पर कांग्रेस को जहां पर जीत देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस के सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने 6 में से 9 किन किन सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकते, तो मैं बताना चाहूंगा महेंद्र जी एक बार कि ग्वालियर एक ऐसी सीट है जहां पर पिछली बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत कायम करके बीजेपी का झंडा बुलंद किया था, लेकिन इस बार ये सीट कांग्रेस के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की परंपरागत सीट छिंदवाड़ा और गुना, ये दो बड़ी सीट है और ये कांग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं। एक पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का करिश्मा है, दूसरे पर सीएम कमलनाथ का साम्राज्य देखने को मिलता है इस बार। हालांकि वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। तो ये दोनों सीटें छिंदवाड़ा और गुना भी कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। और अगर बात की जाए खंडवा, तो खंडवा में इस बार महेंद्र जी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच में लड़ाई है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी को खंडवा लोकसभा सीट पर भीतर घात की बात की जाए, या फिर जो या वहाँ या खंडवा के मौजूदा सांसद हैं नंद कुमार सिंह चौहान, उनके बीच जनता में नाराजगी, उनकी निष्क्रियता, और जो लगातार नंद कुमार सिंह चौहान अपने बेबाक बयान देते हुए हैं विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में नजर आए, तो कहीं ना कहीं उन बयानों की वजह से जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई है। लिहाजा इसी की वजह से ये सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अरुण यादव कोई करिश्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए बैतूल की, तो बैतूल भी कांग्रेस के खेमे में जा रही है। रतलाम झाबुआ की बात की जाए, तो ये सीट कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आई, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तो ऐसे में एक बार फिर यहाँ पर हालांकि कांतिलाल भूरिया का रतलाम झाबुआ सीट पर विरोध जरूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह माना जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया एक बार फिर जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही धार और रीवा जैसी सीटें भी हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी 20 प्लस के ऊपर जादुई आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। और ये एक बड़ा ऐसा जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा सामने आया, ये हैरान करने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सबसे हाई वोल्टेज यानी हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट भोपाल, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा के बीच मुकाबला था। और ये सीट मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का विषय रही। और ऐसे में इस सीट पर कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की जीत दर्ज होती हुई नजर आ रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाने के बाद ये जो मुकाबला था कहीं ना कहीं धर्मयुद्ध बनकर रह गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर अपना किला मजबूत करते हुए नजर आ रही है। और क्योंकि भोपाल लोकसभा सीट चर्चाओं में इसलिए थी क्योंकि एक तरफ सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले, उनके करीब 40 सालों का अनुभव दांव पर था, और दूसरी तरफ महज 40 दिन से कम की साध्वी प्रज्ञा का अनुभव था। तो लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए ये मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला है। हालांकि 23 तारीख को जनादेश आना बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल ने हैरान कर देख रख दिया है। वहीं अगर बात की जाए इंदौर लोकसभा सीट की, तो इंदौर की लोकसभा सीट जो है ताई सुमित्रा महाजन के टिकट कटने के बाद लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर शंकर लालवानी को मैदान में उतारा है। और दोनों ही नेता जो हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट पंकज संघवी और बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि यहां पर जो मुकाबला 50-50 का नजर आ रहा है। और एग्जिट पोल के मुताबिक अगर कहा जाए तो इंदौर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इंदौर में बड़ी जनसभा को संबोधित की थी, तो कहीं ना कहीं उसी का असर मतदान के दिन देखने को मिला। और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2019 में
बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही कि जो नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है और यूथ वोटर है, उसका झुकाव जो है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, उसको लेकर या राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नज़र आता है। उसी को लेकर इंदौर की सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में नज़र आती है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर भी मध्य प्रदेश की जो चर्चित लोकसभा सीट है और ये भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर खुद मध्य प्रदेश बीजेपी के सुप्रीमो यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और यहाँ पर राकेश सिंह के रियासत को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने विवेक तन्खा को मैदान में उतारा है और राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा, और यहाँ पर विवेक तन्खा और राकेश सिंह के बीच में काफ़ी दिलचस्प टक्कर देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर एग्जिट पोल में राकेश सिंह अपनी रियासत को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सीट भी बीजेपी के खाते में नज़र आ रही है, क्योंकि राकेश सिंह पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं, लिहाजा जबलपुर में भी एक बार फिर बीजेपी का झंडा बुलंद होते हुए नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए विदिशा संसदीय सीट है, ये शुरू से ही बीजेपी का गढ़ माना गया है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे कद्दावर नेता यहाँ से सांसद रह चुके हैं और इस बार यहाँ से रामाकांत भार्गव को मैदान में उतारा गया। हालांकि रामाकांत भार्गव का विदिशा सीट पर विरोध तो देखने को मिला, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की करीबी और बीजेपी नेताओं में पेट और जमीनी स्तर पर उनका जनसंपर्क कहीं ना कहीं एक बार फिर, और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बीजेपी जो विदिशा सीट है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ से ऐसा माना जाता है कि बीजेपी का आम कार्यकर्ता भी यहाँ पर भारी लीड के साथ जीत दर्ज करता है, तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा रमाकांत भार्गव को मिलेगा और विदिशा सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाएगी। अगर बात करें हम खजुराहो की, तो खजुराहो में बीजेपी ने यहाँ पर बीडी शर्मा को मैदान में उतारा है और बीडी शर्मा एक बड़े नेता है, जैसे ही उनको टिकट मिला, हालांकि खजुराहो में विरोध जरूर हुआ, लेकिन बीडी शर्मा जो है खजुराहो में भी कहीं ना कहीं अपनी जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बात करूँ मुरैना की, तो मुरैना में नरेंद्र मोदी के करीबी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से शिफ्ट करके मुरैना में उतारा गया है, और मुरैना में क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के जो भतीजे हैं अनूप मिश्रा, उनका टिकट काटा गया है और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं मुरैना भी बीजेपी के खाते में नज़र आ रही है। ऐसे ही भिंड की बात की जाए, सागर की बात की जाए, टीकमगढ़ की बात की जाए, दमोह, सतना, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और रीवा, ये ऐसी सीट हैं जो बीजेपी के खेमे में जाती हुई नज़र आ रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि मंदसौर विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहा किसान आंदोलन, और लोकसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन को कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की है, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नज़र डाली जाए तो मंदसौर के जो किसान आंदोलन का गढ़ कहा जाता है और किसानों की सरजमी कहलाती है मंदसौर, वहाँ पर कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाकर सत्ता हासिल की, वहीं पर मंदसौर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा, कोई सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद हैं और उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, और वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद और सुधीर गुप्ता को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच में टक्कर जबरदस्त देखने को मिली, क्योंकि एक तरफ मंदसौर की अगर बात की जाए तो सुधीर गुप्ता कहीं ना कहीं लगातार जो है उनकी क्षेत्र में निष्क्रियता और जनता के बीच में भी नाराजगी अगर देखा जाए, अफीम के किसान जो होते हैं उनके बीच में खासतौर पर सुधीर गुप्ता की नाराजगी भी देखने को मिली है। वही विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ सवर्ण समुदाय को लेकर जो विरोध था, उस दौरान भी सवर्ण समुदाय में भी सुधीर गुप्ता के कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसके दौरान भी नाराज़गी देखने को मिली। हालांकि यहां पर अगर सांसद की बात की जाए तो यहां पर सांसद की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और बीजेपी का राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ मंदसौर में एक बार फिर नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की काफ़ी सीट आई है, उसी का फायदा लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिला, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी 20 प्लस आंकड़े को लेकर मध्य प्रदेश में अपनी बढ़ोतरी बनाए हुए हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का ये अनुमान बताया जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक कि 6 से 9 सीटों आने का अनुमान है। लिहाजा मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ 15 सालों के बाद, तो ऐसा माना जा रहा था
कि कांग्रेस बड़ी यहां पर लीड लेगी और ऐसा एक करिश्माई आंकड़ा सामने लेकर आएगी। और सीएम कमलनाथ को जिस तरीके से मैनेजमेंट का माहिर माना जाता है और जिस तरीके से उन्होंने कसावट की थी, मंत्रियों को टारगेट दिया था अपने मंत्रियों को, तो उसको लेकर ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री हैं उन्होंने कई सीटों को निकालने के लिए अपनी ताकत भी झोंकी थी। सीएम कमलनाथ ने अपने मंत्रियों का जो है टारगेट भी सेट किया था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के हारने के बाद भी उनको लोकसभा चुनाव को लीड करने की कमान दी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश में वो शिवराज का करिश्मा और पीएम नरेंद्र मोदी का जादू देखने को मिला। क्योंकि कर्ज माफ़ी का मुद्दा था वो शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश में लेकर गए, जन जन को उन्होंने जाकर बताया कि कर्ज माफ़ी जो है एक झूठा वादा है। उन्होंने 10 दिन का वादा किया था, लेकिन करीब उनको 2 महीने से ऊपर हो गए, 4 महीने ऊपर हो गए, तो ऐसे में कर्ज माफ़ी को वो लेकर गए और किसानों के बीच में उन्होंने इस मुद्दे को भुनाया है। यही वजह है कि किसानों ने एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी के तरफ भरोसा किया और उसी की वजह से, हालांकि बीजेपी की कुछ सीटें कम जरूर हुई लेकिन कोई खासा नुकसान बीजेपी को देखने को नहीं मिला है। लिहाजा जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसने मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हैरान कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत के दिल में क्या है, किस तरह से यहाँ पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं और एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम की जो रिसर्च है वो कहती है कि 6 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है, जबकि 20 से 21 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जिनमें जबलपुर की प्रतिष्ठित सीट भी शामिल है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के अधिवक्ता और बड़े नेता विवेक तनखा जो कि राज्यसभा से सांसद भी हैं। इसी तरह मुरैना सीट की बात कर ली जाए तो वहां पर एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर पर जनता भरोसा जता सकती है। ये वही नरेंद्र सिंह तोमर हैं जिन्होंने इस चुनाव में अपनी सीट बदली है। ऐसे कई दिलचस्प समीकरण हैं, सुधीर गुप्ता भी मंदसौर से जीतते नजर आ रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े हमें बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि मतदाता का जो फैसला है वो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ परिभाषित भी कर जाता है। 23 मई की तारीख का इंतजार आप भी करिए, जब तक दिल थाम कर बैठिए और वो नेता जो कि चुनाव मैदान में कूदे थे उनकी धड़कनें तो तेज हैं और लगता है कि 23 मई की सुबह तक ये तेज ही रहने वाली हैं, क्योंकि सबके भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन्स में कैद है जो कि चुनाव के नतीजों के साथ वोटों की गिनती के क्रम के साथ ही साफ हो पाएगा। जाते जाते यहाँ पर मतदान का क्या प्रतिशत है, भारत के दिल में ये मतदान का प्रतिशत क्या कोई राहत की खबर कांग्रेस के लिए लेकर आया है या बीजेपी के लिए खुशी के बादल यहां पर बरसाने जा रहा है, तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर युवराज सिंह से। युवराज, इस खास पेशकश में हम दर्शकों को बता रहे हैं कि एग्जिट पोल कैसे एक संकेत देता है, किस तरह से एक बड़ा शोध का विषय बन जाता है और तमाम सीटों पर जो मतदान का प्रतिशत है वो ये तय कर देता है कि कौन से वर्ग के कितने मतदाताओं ने कहां पर कितने फीसदी मतदान किया है, किन इलाकों में ज्यादा मतदान हुआ है, किन इलाकों में कम मतदान हुआ है और क्या वाकई में लोकसभा सीटों का गणित मतदान के प्रतिशत पर भी आकर टिक जाता है, तमाम जानकारियों को दे दीजिए और यहाँ पर एक सटीक विश्लेषण एमपी न्यूज के दर्शकों को आप बता दीजिए। समूचे देश के आखिरी चरण का चुनाव भी अब समाप्त हो चुका है और इसी के साथ मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर जो चुनाव होना था वो भी समाप्त हुए, काफ़ी समय हो गया और इसी के तहत निर्वाचन आयोग ने अब आंकड़े जारी कर दिए हैं और निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। और वहीं वरिष्ठ नागरिक हो चाहे युवा हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है और जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था जनता को जागरूक करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था उसने सफलता दिखाई है, जिसके चलते निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अब मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 72.59% वोट गिरे हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। वहीं देवास में तकरीबन 78.48% वोट हुए हैं, वहीं उज्जैन में 71.65% वोट हुए हैं। उज्जैन में भी इस बार आंकड़ा काफ़ी अच्छा बड़ा हुआ है, उज्जैन के रहवासियों ने, जनता ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में भाग लिया है। वहीं मंदसौर की तरफ रुख करते हैं तो 73.49% वोट गिरे हैं मंदसौर में। वहीं रतलाम में 72.58% वोटिंग हुई है।
अब रुख करते हैं हम धार की तरफ, तो धार में 71.17% मतदान हुआ है, वहीं इंदौर में 65.18% हुआ है। जी हाँ, इंदौर में इस बार काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है, इंदौर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है मतदान में और एक तरीके से मिसाल पेश की है। और वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि खरगोन में तकरीबन 74.09% वोट हुए हैं और वहीं खंडवा में 74.26% वोट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो समूचे मध्य प्रदेश में इस बार वोटों की जो संख्या है वो ज़्यादा गिरी है और मतदान प्रतिशत इसी के तहत वृद्धि बता रहे हैं आंकड़े के अनुसार। वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस बार इंदौर में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है कांग्रेस से। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इंदौर की सत्ता पर कौन काबिज होता है, क्योंकि लगातार 8 बार से यहाँ पर बीजेपी के सांसद अपनी सत्ता पर काबिज थे, परंतु कहीं ना कहीं एकाएक कांग्रेस की तरफ से पंकज संघवी ने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंदौर के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत दर्ज होती है। चलिए युवराज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। उम्मीद है कि एमपी न्यूज के दर्शकों को ये खास पेशकश पसंद आई होगी और एग्जिट पोल से परे, जी हाँ, तमाम आंकड़ों की भीड़ से परे क्या है वो खबर जो कि आपके लिए जानना है बेहद जरूरी, और किस तरह से भारत का दिल, क्योंकि कहा जाता है कि दिल जब धड़कता है तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर देता है, तो भारत का दिल यहां पर किस पार्टी के फेवर में धड़क रहा है। फिलहाल जो स्क्रीन पर आंकड़े फ्लैश हो रहे हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो तो कह रहा है कि भारत का दिल जो है एक बार फिर नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं। एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, यूपीओ को यहां पर फिर हार का स्वाद चखना होगा, राहुल गांधी को और पसीना बहाना होगा, मेहनत करना होगी और कहीं प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने में देरी तो ना हो गई, इस पर भी मंथन करना होगा। और कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगल जोड़ी इस देश पर एक बार फिर क्रांतिकारी नेतृत्व के तौर पर उभर कर आ रही है, ये तमाम आंकड़े एग्जिट पोल के तौर पर साफ होते जा रहे हैं। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। और हाँ, ये प्रोग्राम यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो जरूर आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। YouTube या Facebook पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारा YouTube ऑफिशियल चैनल mpnewstv यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक दीजिए इजाजत और लगातार देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार।